धर्मप्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल शाम को मैंने सदगुरु कबीर का एक पद कहा था और उसकी दो पंक्तियों पर थोड़ा निवेदन रखा था। आज उस पद के आगे की पंक्तियों पर कुछ निवेदन और प्रस्तुत है। पूरा पद है, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दिन्हों ते छाड़ परम निधाना। ज्योति देख पतंग हुल से पशु न पेख है आग, काल फांस नर मुग्धन चेतो कनक कामनी लाग। शेख सैयद कितेब निरखे सुमृत शास्त्र विचार, सतगुरु के उपदेश बिनु ते जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहे कबीर भगवंत भजनर द्वितिया और न कोई। शब्द गुरु उपदेश दिनों ते छाड़ परम निधाना। सदगुरु कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तू ज्ञान का परम निधान है, अपने उस ज्ञान को समझ। और सदगुरु जो उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश को ग्रहण कर मन के मोह मन की माया को छोड़ो। सदगुरु कबीर पहली बात यह कहते हैं, मनुष्य ज्ञान का निधान है, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का स्रोत। धरती पर जगह जगह कहीं हीरे की खान है, कहीं लोहे की खान है, कहीं सोने की खान है, कहीं चांदी की खान है, कहीं कोयले की खान है, कहीं और कुछ खान है, बहुत खान है। कहीं गर्म पानी के स्रोत हैं, कहीं ठंडे पानी के स्रोत हैं, लेकिन क्या आपने कहीं पर ज्ञान की खान देखा है? बाहर क्या कहीं ज्ञान का कोई स्रोत है? बाहर ज्ञान की कोई खान नहीं है, ज्ञान का कोई स्रोत नहीं है। ज्ञान की खान, ज्ञान का स्रोत कुछ है तो मनुष्य। मनुष्य को हटा दो तो ज्ञान का आधार कौन होगा, कहां होगा? कितने लोग कहते हैं कि हम तो भगवान की बात मानेंगे, भगवान की पुस्तक को मानेंगे, आदमी की बात और आदमी की लिखी पुस्तक को नहीं मानेंगे। किसी भगवान ने आकर पुस्तक लिखी है? भगवान से आपकी मुलाकात है, भगवान आपको संदेश दे रहा है कि आप भगवान की बात मानोगे? दुनिया की सारी पुस्तकें, नाम कुछ भी हो, वेद कुरान बाइबिल या जिंदावेस्ता या अन्य और कुछ, सारी पुस्तकों का लिखने वाला आदमी है। आदमी को छोड़कर पुस्तक बनाने वाला लिखने वाला कोई दूसरा नहीं है। भले कहते रहे नाना मत के अनुयायी, हमारी पुस्तक ईश्वरी है, हमारी पुस्तक ईश्वरी है, हमारी पुस्तक अपौरुषेय है, इल्हामी कलाम है, स्वयंभू है, ऐसा कहने से अपने धर्मग्रंथ के प्रति एक दृढ़ आस्था होती है, विश्वास जमता है। लेकिन ये हकीकत नहीं है।
हकीकत यह है दुनिया की जितनी भी पुस्तकें हैं सब आदमी की लिखी हुई है। आदमी के अतिरिक्त पुस्तक लिखने वाला कोई और नहीं है। और विचित्र बात तो यह भी है, दुनिया में जितने ईश्वरवादी मत हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जितने ईश्वरवादी दुनिया में हैं सब एक स्वर से यही कहते हैं कि भगवान ईश्वर परमात्मा एक है। कोई मत ये नहीं कहता कि दुनिया में दो चार छह परमात्मा है, सबके सब ये कहते हैं परमात्मा तो एक है, भगवान तो एक है, ईश्वर तो एक, वही सबका मालिक है। ठीक, तो कोई भी पिता यह नहीं चाहता कि मेरे बेटे आपस में झगड़े, मेरी संतान आपस में विवाद करे, मारपीट करे, कलह करे, हिंसा हत्या करे। लेकिन एक भगवान और पूरी दुनिया के लोग उसकी संतान, और भगवान ने किया बड़ा गजब, हिंदुओं के हाथ भेज दिया वेद, मुसलमानों के हाथ भेज दिया कुरान, बाइबिल के हाथ, ईसाइयों के हाथ भेज दिया बाइबिल, किसी के यहाँ कुछ, अब आदमी झगड़ने लग गए। इतने कल नहीं थे भगवान के पास कि अनेक की पुस्तकें भेजूंगा तो दुनिया में झगड़ा होगा। भगवान को तो सर्वांतरयामी कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है ना, तो ऐसी बेअकली का काम उन्होंने क्यों किया कि कई पुस्तकें भेज दिया। और ये नाना धर्मग्रंथ के मानने वाले हमारी पुस्तक ईश्वरी, हमारी पुस्तक ईश्वरी, हमारी पुस्तक को जो नहीं मानेगा वो नास्तिक है, काफिर है, म्लेच्छ है, नापाक है, ऐसा कहकर एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। भगवान आज तक प्रकट होकर ये नहीं कह सका भाई कि मैं तो एक हूं, मेरे नाम पर क्यों झगड़ते हो, मैंने ये पुस्तक अलग अलग भेदी भेदी के सब बराबर है, ऐसा तुम लोग क्यों नहीं मानते। तो हमारी पुस्तक ईश्वरी है, आप अपने लिए भले मान सकते हो, लेकिन आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि दूसरे की पुस्तक अनेश्वरी है, मृक्ष की बनाई हुई है। जैसे आप अपनी पुस्तक को ईश्वरी कह रहे हैं, ऐसे ही दूसरों को अधिकार है अपनी पुस्तकों को ईश्वरी कहने का। यह अधिकार आपको किसने दे दिया कि दूसरे की पुस्तक अनेश्वरी है ऐसा कहो। जब किसी पुस्तक को ईश्वरी मान ली जाती है, किसी महापुरुष को ईश्वर का अवतार, दूत, पैगंबर, पुत्र मान लिया जाता है, किसी मत और मजहब को ईश्वर द्वारा चलाया हुआ मान लिया जाता है, तब यही सांप्रदायिकता का जन्म होता है और आदमी क्रूर अहंकारी बनता है और धर्म ईश्वर के नाम पर लड़ता है, मरता है, दूसरों को काटता है। आज तो हमारा धर्म खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में, हमारा धर्म खतरे में है, सब कह रहे हैं। धर्म कभी खतरे में नहीं होता है, और यदि धर्म को कहीं से खतरा है तो धार्मिकों से है, अधार्मिकों से धर्म को खतरा नहीं है, धार्मिकों से ही धर्म को खतरा है। ये धार्मिक लोग सुधर जाएं बस धर्म अपने आप सुरक्षित रह जाएगा। धर्म को कभी खतरा होता है, संप्रदाय को खतरा हो सकता है, मान्यता को खतरा हो सकता है, कर्मकांड को खतरा हो सकता है, वो खतरा वो भी नहीं है, हमारी भूल है। मंदिर में ये ऐसी मेले में आपने देखा होगा घूमते हुए जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, हिंदू धर्म खतरे में है,
बेकार की बात, कोई धर्म खतरे में नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है हिंदुओं के धर्मगुरुओं को बड़ी चिंता है। लोग कहते हैं बार बार हिंदुओं की संख्या बराबर घटती जा रही, बराबर घटती जा रही, हिंदू अपनी संख्या बढ़ाएं, लेकिन ये भी कहते हैं कि गंगे तो दर्शनात मुक्ति, गंगा के दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। प्रतिवर्ष इलाहाबाद में करोड़ों लोग आते हैं, हरिद्वार में करोड़ों लोग आते हैं, और गंगा दर्शन करने से मुक्ति होती जाएगी तो दुनिया में हिंदू रह ही नहीं जाएगा। फिर तो खतरे में क्या हो, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हिंदू ही नहाने आते हैं ना यहां पर। एक और तो चिंता है हिंदुओं की संख्या घट रही है, एक और कहते गंगा दर्शन करो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी हिंदू बचेंगे नहीं दुनिया में, फिर तब क्या करोगे, फिर कहां तो लाओगे हिंदू। अब कौन बात सही है तो ये तो कहने वाले लोग जाने। तो धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म तो है शील, धर्म तो है करुणा, धर्म है दया, धर्म है अपने पर संयम, धर्म है कोमल व्यवहार, सहनशीलता, क्षमा, गम, सत्य, इनको खतरा कहां है। जब हम निर्दयता का व्यवहार करेंगे तब धर्म खतरे में होगा, जब हम क्रूरता का व्यवहार करेंगे तब धर्म खतरे में होगा, जब हम क्रोध करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तब धर्म खतरे में होगा, अन्यथा धर्म खतरे में नहीं है। यदि धार्मिक लोग ही शील का, करुणा का, दया का, क्षमा का, सहनशीलता का, तितिक्षा का, सत्य का, नैतिकता का, सहचार का पालन करने लग जाए धर्म खतरे में कहां होगा। बड़े बड़े मंच से यह भी घोषणा की जाती, सुना होगा आपने इसी मेले में और सब जगह, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और जिस मंच से धर्म का की जय हो, अधर्म का नाश हो यह नारा दिया जाता है, उसी मंच से घंटों घंटों झूठी झूठी कहानी कही जाती है। कहा जाता है धर्म न दूसर सत्य समाना, पूरी कथा झूठ की, और झूठ मतलब अधर्म, और नारक अधर है अधर्म का नाश हो, झूठ की कथा कर रहे हो अधर्म का नाश हो जाएगा, कैसे नाश हो जाएगा। सत्य की चर्चा बिल्कुल नहीं, धर्म क्या है सत्य, और सत्य एक शब्द में भी नहीं उच्चारण करना है, पूरी कथा झूठ, और धर्म की जय हो, कहां तो धर्म की जय होगी। धर्म की जय करना चाहते हो तो सही बात जनता को बताओ, महिमा के में भटकाओ मत, कल्पना में भटकाओ मत, भ्रम में भटकाओ मत, और धर्म के नाम पूरी झूठी कथा। सदगुरु कबीर कहते हैं धर्म कथा जो कहते ही रही, लाबरी उठी तो प्रातः ही कही। ये धर्म की कथा कहने वाले सुबह से उठ करके लबरी वाणी हाँकना शुरू कर देते हैं। लाबर बिहाने लाबरी संझा, एक लाबरी वत हृदय मंझा, सुबह लबरी वाणी, शाम को लबरी वाणी, क्यों लबरी वाणी इनके हृदय में बसी हुई है। झूठ से बड़ा अधर्म और क्या होगा, और झूठी कहानियां कह रहे हो, कहते हो अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म का आचरण करें, सत्य का आचरण करें, बस अधर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा, नारा लगाने से नष्ट होगा। मैं कह रहा था सदगुरु कबीर कहते हैं जे छाड़ परम निधाना, ए मनुष्य तो ज्ञान का आश्रय है, ज्ञान का निधान है, मनुष्य को हटा दो कहीं ज्ञान का आधार नहीं होगा। जितने कला कौशल हम देख रहे हैं, ज्ञान विज्ञान की उन्नति देख रहे हैं, मत पंथ देख रहे हैं, तमाम पुस्तकें देख रहे हैं, वे किसकी देन है, इंसान की। मनुष्य को हटाकर ज्ञान विज्ञान का निधान कोई है। सारी किताबें जो निकली हुई है, वेद, कुरान, बाइबल, जिंदावस्था, बीजा, गुरुवाणी या अन्य, और कहां से निकली है, मनुष्य के हृदय से। लौह महफूज धर्मानी दिलत, हर चिनी ख्वाही सबज जो हासिलत, दर हकीकत खुद तुम मिल किताब, खुद जी खुद आयात खुदरा बाजियाब। कभी कहते हैं
आदमी का दिल, आदमी का हृदय सुरक्षित चित्रपट है, उसे चाहिए कि वह कुरान की आयतों को अपने हृदय से निकाले। भारतीय परंपरा कहती है सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एकायनम, सारी विद्याओं का केंद्र, सारी विद्याओं का आधार हृदय ही है। इसलिए दुनिया की सभी पुस्तकों को पढ़ो, यदि भाषा का ज्ञान क्षमता है तो सभी पुस्तकों को पढ़ो, सब पुस्तकों आदर दो, सभी पुस्तकों को बराबर मानो। हाँ उसमें तक, लेकिन करना क्या है, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, बस जो सार लगे उसको मान लो, जो असार लगे झूठ लगे उसको छोड़ दो, मुलाहिजा कुछ ना करो। ये हमारी पुस्तक, ये दूसरे की पुस्तक, ये हमारी परंपरा पुस्तक, ये दूसरे परंपरा की पुस्तक, कुछ मुलाहिजा नहीं, ना हमारी ना तुम्हारी। सत्य किसी का नहीं होता है, ज्ञान किसी का नहीं होता है। जो आचरण करता है ज्ञान का, जो सत्य का आचरण करता है, सत्य और ज्ञान उसी का होता है। किसी परंपरा से जुड़ करके सत्य मिलेगा, किसी परंपरा से जुड़ करके ज्ञान मिलेगा, किसी अमुक परंपरा से जुड़ करके परमात्मा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मिथ्या अहंकार की बात। सत्य ज्ञान मोक्ष परमात्मा स्वर्ग किसी मतपंथ के एकाधिकार में नहीं है, किंतु अनासक्ति में मोक्ष है और प्रेम में स्वर्ग है। प्रेम, अनासक्ति, निष्कामता, निर्मोहता, दया, करुणा, ये किस्मत की है, किस्मत की चीजें हैं ये सब। तो हकीकत को हम समझें, हम बह जाते हैं परंपरा के मुंह में, भीड़ के मुंह में। परंपरा आदरणीय है, भीड़ आदरणीय है, जितने महापुरुष दुनिया में हुए सब आदरणीय है। पहली बात ये समझ लें, किसी भी परंपरा, किसी भी मत पंथ संप्रदाय, दुनिया के किसी कोने में कोई महापुरुष हुआ है, वे सब हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, सिर मुकुट हैं। लेकिन आंख मूंद करके किसी की बात को न माने, तर्क करें, विवेक करें, निर्णय करें, निर्णय युक्ति और तर्क से जो सही लगे उसे माने, बाकी छोड़ दें। इसमें किसी का अनादर नहीं है, किसी तिरस्कार नहीं है। गुरु की बात पर भी विचार कर लेना, तर्क कर लेना, ये गुरुद्रोह नहीं है। यदि बात सही है, सत्य है, तो घबरा क्यों रहे हैं कि लोग तर्क करेंगे हमारी बात कट जाएगी। हीरा सोई सराही ये सहे घनन की चोट, सदगुरु कबीर कहते हैं हीरा वह प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहता है। घन पर रख, निहाई पर रख कर अब हीरे को घन से ठोके, टूट गया तो समझ ले कि वो हीरा नहीं, कच्चा हीरा है, कांच है। सच्चा हीरा कितना आप घन से ठोके टूटेगा नहीं, या तो छिटक कर दूर चला जाएगा या निहाई या घन में धस जाएगा। घन से टूटता नहीं है, ये तो उदाहरण है। इसी प्रकार सिद्धांत वह प्रशंसनीय है, निर्णय वो प्रसन्न नहीं है जो तर्क और विवेक की कसौटी से करता नहीं है, तो घबराहट क्यों है। और जब आपको इतना डर है, आपका धर्म इतना कमजोर है कि जरा सा तर्क लगेगा, जरा सी युक्ति का प्रयोग किया जाएगा, आपका धर्म टूट जाएगा, तो आप अपने धर्म को अपने घर के अंदर सात ताले के भीतर बंद रखिए। मार्केट में लागो तो कसौटी तो होगी होगी, जब आप समाज के बीच प्रस्तुत करोगे कसौटी तो होगी होगी, क्यों आक्रमण कर मानेंगे लोग। इतना कमजोर धर्म है आपका कि थोड़ा सा तर्क लगा बस सुमंतर हो जाएगा, तो ऐसे धर्म को सात तिजोरी में बंद रखना चाहिए, आवश्यकता नहीं ऐसे धर्म की। ऐसे धर्म से किसी कल्याण भी नहीं होने वाला है। धर्म सत्य कितना कसो उसे, कितना कसो, वो खरा का खरा ही होगा, फिर घबराहट क्यों।
जो लोग कहते हैं गुरु की बात पर तर्क नहीं करना चाहिए, भगवान की बात पर तर्क नहीं करना चाहिए, धर्म की बात पर तर्क नहीं करना चाहिए, समझ ले वहां कुछ न कुछ घोटाला है, गड़बड़ है, तभी घबरा रहे हैं। सच्चा माल है, सच्चे हो रहे हीरे के व्यापारी हैं, कटने दो, घंटे ठोकने दो, ग्राहक को अपने आप पता चल जाएगा कि सच्चा है कि कच्चा है। इसलिए सत्य के आग्रही बने, सत्य को समझें। इतना जरूर मैंने कहा था कि सभी परंपरा को आदर दें, पक्षपाती न बने, सभी महापुरुषों को आदर दें, सभी धर्म ग्रंथों को आदर दें, किसी एक से बंध करके रहे ना, अपने दिल को उदार बनाए, हृदय बनाए, अपने हृदय को उदार बनाए, संकुचित क्यों बनते हैं। हिंदू के धर्म ग्रंथ हमारे हैं, मुसलमान के हमारे नहीं है, मुसलमान के हमारे, ईसाई के हमारे नहीं, ऐसा क्यों क्यों छोटा बना रहे हैं अपने आप को। उदार बने, और धार्मिक उदार नहीं बन सकता है, धार्मिक दूसरे की बात सहन नहीं कर सकता है, तो अधार्मिकों से फिर अब क्या आशा की जाए। धर्म का अर्थ क्या है? उदारता, सहनशीलता, प्रेम, इनको छोड़ दो तो धर्म बचेगा क्या फिर। लेकिन धार्मिक कहलाने वाले लोग बड़े संकुचित हो गए हैं, हृदयहीन हो गए हैं, दूसरे की बात को मानना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं करते। अरे सुन लो, मर्जी आपकी, मानो या ना मानो। शब्द गुरु उपदेश दिनों तक छाणु परम निधाना, सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ मनुष्य तू ज्ञान का आश्रय है, निधान है। सदगुरु तुम्हें उपदेश दे रहे हैं, तुम्हारा मन दुनियादारी के मोह में फंसा हुआ है, उस मोह का त्याग करो। कहीं भी मोह हो सकता है, जैसे व्यक्ति के लिए मोह होता है, ऐसे परंपरा के लिए मोह होता है, ऐसे गुरु के लिए मोह होता है, ऐसे कर्मकांड के लिए मोह होता है। मोह किसी के लिए हो, गुरु की सेवा करो, गुरु के जो आदर्श है, गुरु का जो ज्ञान है, उसका आचरण करें। गुरु के शरीर से मोह कर लिए, भटक गए। गुरु के नाम पर जो पूजा चलती है, जो गुरु, जो महापुरुष जिंदगी भर कल्पना भ्रांति का खंडन करते रहे, मूर्ति पूजा का खंडन करते रहे, ग्रंथ पूजा का खंडन करते रहे, उनके जाते ही, उनके शरीर के शांत होते ही, उन्हीं के अनुयायी जो कहते हैं हमने अपने गुरु को हमने समझा है, उन्हीं के अनुयायी उन्हीं गुरु की पूजा शुरू कर देते हैं, शरीर की पूजा शुरू कर देते हैं, कपड़े पूजा शुरू कर दिए, कमंडल की पूजा शुरू कर दिए, खड़ाओ की पूजा शुरू कर दिए। और इसका मतलब क्या है? गुरु को देश को दफना दिए। हमें गुरु को देश से मतलब नहीं है, हमें तो गुरु के शरीर की पूजा करना है और अपना एक संप्रदाय खड़ा करना है, अहंकार का पोषण करना है। और सब जगह यही हो रहा है, अनुयायी भटक जाते हैं। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, ये अनुयायी बड़े खतरनाक होते हैं, ये किसी एक मतपंथ के लिए, किसी एक महापुरुष के लिए नहीं, सभी महापुरुषों की यही बात है। हर महापुरुष के अनुयायी उनके जाते ही, उनके जो उन्होंने जीवन भर कहा उसके विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं, जिसका खंडन किया उसी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। आवश्यकता है गुरु के उद्देश्यों को, गुरु के ज्ञान को, गुरु को आदर्श को समझने की। मैं कह रहा था मोह कहीं भी हो सकता है, गुरु के शरीर के प्रति मोह है तो भटकना है, परंपरा के प्रति मोह है तो भटकना है, पुस्तक के लिए मोह है तो भटकना है। जैसे संसारिक जो रिश्ते नाते हैं, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, इनका मोह भटकाने वाला दुखदायी है, तो परंपरा का मोह भी भटकाने वाला है, पुस्तक को भी भटकाने वाला है, गुरु के शरीर का मोह भी भटकाने वाला है, हर मोह भटकाने वाला है। निर्मोह बने यदि सत्य को चाहते हैं तो, कल्याण चाहते हैं तो। शब्द गुरु उपदेश दिनो, सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु तुम्हें निर्णय शब्दों को उपदेश दे रहे हैं,
छाणु परम निधाना, ज्ञान का निधान मनुष्य, तू इस मोह का त्याग कर। मोह का त्याग नहीं करेंगे, कितनी पूजा करते रहो, कितनी प्रार्थना करते रहो, भटक जाना होगा। उदाहरण आता है बुद्ध के संबंध में भी आता है, तथागत बुद्ध के संबंध में भी है, महावीर स्वामी के संबंध में भी है। बुद्ध के प्रधान शिष्य थे आनंद, वैसे उनके और कई शिष्य थे, सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकश्यप, लेकिन बुद्ध के अत्यंत निकटवर्ती रहने वाले थे आनंद, और महावीर स्वामी के अत्यंत निकटवर्ती उनके प्रधान शिष्य थे गौतम, इंद्रभूति गौतम। कहते हैं कि जब महावीर स्वामी के शरीर का अंत का समय आया, महावीर स्वामी को आभास हुआ कि मेरा शरीर रहेगा नहीं, तब उन्होंने अपने प्रधान शिष्य गौतम से कहा, गौतम अमुक अमुक गांव के लोग तुम्हें बुलाते हैं, बहुत दिन बुला रहे हैं, तुम चले जाओ, वहां कुछ दिन रह करके आ जाना। गौतम चले गए। उसी बीच में महावीर स्वामी का शरीर शांत हो गया। समाचार पहुंचा गौतम के पास, आए रोते हुए आए, और आकर के वहां जो लोग थे उनके गुरु भाई संत, उनसे पूछा कि गुरुदेव ने मेरे लिए क्या आदेश दिया है, क्या कहा है मेरे बारे में। तो संतों ने कहा, गुरुदेव ने कहा है कि गौतम को कह देना कि गौतम बड़े बड़े समुद्र को पार करके तो आ गया है, लेकिन बित्ता भर पानी में डूब करके मर रहा है। चौंक गए। अर्थ यह है, उसका महावीर स्वामी का संदेश था उनके लिए, गौतम ने सब कुछ तो त्याग दिया, लेकिन गौतम मेरे शरीर में मोह कर लिए, बित्ता भर पानी में डूब रहा है वो गौतम। क्योंकि गौतम बड़े ज्ञानी थे, बड़े बुद्धिमान, लेकिन महावीर के स्वामी के शरीर में मोह कर लिए थे। तो मोह कहीं कभी हो, भटकाने वाला होगा। शरीर किसी का हो, है तो पंच भौतिक, मिट्टी पानी आग हवा आकाश से निर्मित, हार मांस का ढांचा, मलमूत्र भरा हुआ, और क्या किसी शरीर में। ज्ञानी से ज्ञानी, वैराग्यवान से वैराग्यवान शरीर में क्या है, हड्डी मांस मल मूत्र रक्त थूक कप, यही तो है, इसके अतिरिक्त क्या है। हाँ, शरीर जब तक जीवित है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है, हम उस शरीर की सेवा करें, क्योंकि उस शरीर से हमें ज्ञान मिल रहा है, आदर्श मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, सहारा मिल रहा है। तो शरीर जब तक जीवित है, शरीर में जब तक जीव है, तब तक सेवा करना हमारा धर्म कर्तव्य है। लेकिन शरीर छूट गया तब कर्तव्य रहोगे। शरीर छूट गया तब शरीर के ऊपर चाहे जो बना दो पूजा करने के लिए, भटका ही होगा, कल्याण नहीं होने वाला है। और क्या होता है, बड़े जिन जिन महापुरुषों ने इसका विरोध किया, उन्हीं उन्हीं के नाम पर बड़े बड़े मंदिर बन गए, उनकी मूर्ति स्थापित हो गई और उनकी पूजा शुरू हो गई। ये मोह क्या है, यही है घर जोड़ने की माया। रेपहर देवी ने इसे घर जोड़ने की माया कहा है। अब हमें गुरु के नाम पर पूजाना है, खाना है, अपना है, अपना संप्रदाय चलाना है, अहंकार का पोषण करना है, फिर भटक गए। तो मोह कहीं कभी हो, साहब ने कहा है शुरुआत इस पद में, माया मोह मोहित कीन्हा ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। माया के मोह ने मोहित कर लिया, ज्ञान नष्ट हो गया, डूब गया।